अकबरपुर लोकसभा से बंजर खेती को भी उपजाऊ बनाने वाले कांग्रेस के सांसद राजा रामपाल अब तीसरी पारी खेलने को बेताब हैं। इस बार नामांकन कराने में उन्होंने यज्ञ के साथ शुरुआत की। आइए जानते हैं इन सब कामों के पीछे उनकी क्या रणनीति है और क्या सोच है। आज हवन के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या सोच रहती, कैसी रणनीति आपकी? ये देश जिसमें लोकतंत्र स्थापित हुआ था, ये सभी जात सभी धर्मों का देश है। हमने सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके और धार्मिक अनुष्ठान के साथ हमने शुरुआत की है। हम सभी धर्मों का आदर करने का काम करते हैं और ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसलिए हमने ऐसी शुरुआत की है जिससे सब किसी की भावना को न ठेस पहुँचे और धार्मिक अनुष्ठान के साथ हमने आज नामांकन का ये शुरुआत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, जिसके कारण आज गरीब से गरीब आदमी भी है सोच सकता है कि हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके कांग्रेस बाबा के बड़े पिछड़े हुए नेताओं में अब गिनती होने लगी है, ऐसे सब वर्गों को कैसे लुभाएंगे? इस बार क्या रणनीति होगी चुनाव में आपकी? मुझे लगता है कि हमें ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको हमने न लुभाया हो। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा है। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। मेरी जिंदगी में किसी करोड़पति अरबपति लखपति को भरोसा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमने 25 साल के सार्वजनिक जीवन में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हमारे पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं। वो 150 किलोमीटर दूरी पर 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे, अभी मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद, ये भरोसा हमारी जिंदगी के अंतिम सांस तक कायम रहेगा। और कांग्रेस का यही एजेंडा है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, हम सबको साथ लेकर के देश को आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 टर्म UPA गवर्नमेंट ने चलाए हैं, कहीं ना कहीं उसका एंटी इनकम बेसी है, लेकिन क्षेत्र में राजा रामपाल की एक मौजूदगी, तो राजा रामपाल की जो लोकप्रियता है कांग्रेस की एंटी इनकम बेसी पर कैसे भारी करेंगे? 2 चीज़ें हैं, कांग्रेस वहाँ सफलता पाएगी जहाँ संगठन और कैंडिडेट में सामंजस्य होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे संगठन में और हमारे में पूरी तरह सामंजस्य है, पूरे कांग्रेसी पूरे मन से लड़ाने के लिए बेताब हैं, और संगठन और कैंडिडेट में जहाँ सामंजस्य हो जाएगा वहाँ कांग्रेस के खिलाफ इनकम्बेंसी वो कोई काम महत्व तो नहीं रखती। अभी में मैं कहना चाहता हूँ कि राजा रामपाल ही अकबरपुर पार्लियामेंट चुनाव नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। चुनाव जो अकबरपुर लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतदाता निर्णायक है। कल नामांकन जुलूस था वारसी जी का, वहाँ ब्राह्मण के नारे लग रहे थे कि हाथी पे बैठ के दिल्ली पहुँचेगा, मत नारे लग रहे थे। भाजपा जो सोच रही है उसका अपना वोट ही है, कांग्रेस से आप हैं, तो कैसे उन ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ ज़्यादा पक्ष में लाएंगे? हमें लगता है कि ब्राह्मण यहाँ पर जितने हमारे आसपास खड़े हैं, ऐसा कोई वर्ग, ऐसी कोई जात, ऐसे कोई धर्म का आदमी नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ये कांग्रेस की जो अपनी परंपरा है उस परंपरा को निर्वाह करने का काम करते हैं। हम सबका आदर करते हैं, हमारी पार्टी सबका आदर करती है, सबको साथ ले चलने में विश्वास करती है, उन्हीं के भरोसे हम नैया पार करने का काम करेंगे। हर वर्ग के